Hello everyone, I am Dr. Sasi Singh. In this video, I will try to explain Mehkale Kavya Vran Patra, Mehkale's Minute 1835. Lord Mehkale ko Bharat mein 10 June 1834 ko Governor General ki Council mein Kanun Sadasya ke roop mein niyukt kiya gaya. Is samay Bharat mein Prachya evam Paschatya Vardhi Dhara apna ugra roop dharan kar chuki thi. इस विवाद को निपुणता पूर्वक समाप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बंगाल की लोक शिक्षा समिति का सभापति लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया. मैकाले ने इस विवाद को समाप्त करने के लिए बड़ी निपुणता से 2 फरवरी 1835 को विलियम बेंटिंक के समक्ष तर्कपूर्ण भाषा में अपना विवरण पत्र तैयार करके प्रस्तुत किया. मैकाले का शिक्षा का उद्देश्य मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में ऐसे लोगों का निर्माण करना चाहता था जो रंग रूप में तो भारतीय हो परंतु वेशभूषा बातचीत में एवं विचारों में अंग्रेज. मैकाले की भाषा संबंधी विचार पाश्चात्यवादियों के पक्ष में थे. उसका मानना था कि अंग्रेजी भारत में शासकों की भाषा है, ये ही पूर्वी व्यापार की भाषा बनने वाली है. अतः हम चाहे भाषा महत्व पर ध्यान दें या देश की परिस्थिति पर, अंग्रेजी ही भारत के लिए हितकर साबित होगी. 43वीं धारा की व्याख्या. लॉर्ड मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र की व्याख्या निम्न प्रकार की. जो आज्ञा पत्र में 1,00,000 धनराशि देने की बात कही गई है, वह केवल निश्चित विषय में खर्च न करके अपनी इच्छा अनुसार किसी भी विषय में खर्च की जा सकती है. धारा में जो साहित्य शब्द आया है, वह न केवल अरबी संस्कृत साहित्य होगा बल्कि अंग्रेजी साहित्य भी उसमें शामिल होगा. भारतीय विद्वान के संबंध में स्पष्ट करते हुए मैकाले ने कहा, मौलवी एवं पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा के विद्वान भी हो सकते हैं. अंग्रेजी के पक्ष में तर्क. उसने पाश्चात्य ज्ञान का समर्थन करते हुए कहा कि भारतीयों में प्रचलित देसी भाषाओं में साहित्य एवं वैज्ञानिक कोश का अभाव है. उसने नवीन ज्ञान के दृष्टिकोण में अरबी और संस्कृत को निम्न बताया. वर्तमान में अंग्रेजी शासकों की भाषा है और भारत के उच्च वर्ग द्वारा बोली जाती है, अतः यह कार्यकारी भाषा बन सकती है. स्वयं भारतीय भी अंग्रेजी भाषा को अपनाने के लिए तैयार हैं. भारतीयों को अंग्रेजी का विद्वान बनाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए. उसका मानना था कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से देश में एक ऐसे वर्ग का निर्माण किया जा सकता है जो रक्त व रंग से भले ही भारतीय हों परंतु विचारों एवं सिद्धांतों में अंग्रेज हो. अतः अंग्रेजी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर उसने अंग्रेजी की शिक्षा पर ही धन खर्च किए जाने का विचार प्रस्तुत किया. मैकाले के विवरण पत्र की समीक्षा इस प्रकार की गई. भारतीयों में फूट डिवाइड एंड रूल पैदा किया गया. प्रांतीय भाषाओं को अवरुद्ध किया गया. दफ्तरों में काम करने वाले फौज की निर्माण कर दिया गया. विदेशी भाषा अंग्रेजी भारत में थोपी गई. भारतीय संस्कृति की अवहेलना की गई. विदेशी सभ्यता को भारत में थोपा गया. भारतीय धर्मों की अवहेलना की गई. पाश्चात्य शिक्षा एवं भाषा के माध्यम से जनसाधारण के बीच खाई उत्पन्न कर दी गई जिससे वैचारिक मतभेद बढ़ता गया. भारतीय साहित्य की अवहेलना की गई. अंग्रेजों ने भारत में एक ऐसा वर्ग का निर्माण
किया जो अंग्रेजी शासन को सुदृढ़ता प्रदान कर सके। यद्यपि इस शिक्षा नीति में कई दोष थे, उसके बावजूद उसकी निम्नलिखित प्रभाव भारतीय जीवन में देखने को मिले। भारत के लिए विस्तृत ज्ञान विज्ञान के द्वार खुल गए। भारत में आधुनिक शिक्षा संरचना का शिलान्यास हुआ। भारत में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हुई। बेंटिंक द्वारा विवरण पत्र की स्वीकृति 1835। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैकाले द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्र का गहनता से अध्ययन किया और 7 मार्च 1835 की एक विज्ञप्ति प्रेषित करके कहा, शिक्षा के लिए जो धन व्यय किया जाना है वह केवल अंग्रेजी शिक्षा पर ही व्यय किया जाएगा। बेंटिंक की शिक्षा नीति की प्रमुख बातें इस प्रकार थी। ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारतीयों में यूरोपीय साहित्य एवं ज्ञान को बढ़ावा देना था, अतः शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धनराशि अंग्रेजी शिक्षा में ही व्यय की जाएगी। अरबी, फारसी और संस्कृत की प्राचीन शिक्षा संस्थाएं पूर्ववत चलती रहेंगी, उनको बंद नहीं किया जाएगा। प्राच्य साहित्य के प्रकाशन में पर्याप्त धनराशि खर्च की गई है, अतः भविष्य में प्राच्य शिक्षा के लिए कोई भी धनराशि नहीं दी जाएगी। इस प्रकार सरकार के पास जो धनराशि है उसे अंग्रेजी भाषा साहित्य और विद्वानों पर स्वयं खर्च किया जाएगा। इस विज्ञप्ति ने 1813 से चल रहे विवाद को समाप्त करके भारतीय शिक्षा के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। किंतु बेंटिंक के भारत से जाते ही पुनः प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा ने अपना विवाद उग्र रूप में ले लिया। जब लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर जनरल बनकर भारत आए, उस समय यहाँ की स्थिति अत्यंत ही नाजुक थी। उन्होंने इस स्थिति का 4 वर्षों तक अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि प्राच्यवादियों को भी 31,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएं, क्योंकि वह मानते थे कि प्राच्यवादियों में खर्च किए जाने वाला पैसा बहुत कम है। उनके इस निष्कर्ष से एक लंबे समय से चला आ रहा विवाद समाप्त हुआ। फिल्ट्रेशन थ्योरी निस्यंदन सिद्धांत। अंग्रेजी के फिल्ट्रेशन का अर्थ होता है निस्यंदन अर्थात छनाई की क्रिया। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारियों की कंपनी थी, इसलिए वह शिक्षा पर कम से कम खर्च करना चाहते थे। उनका मानना था कि भारतीयों की शिक्षण में कम से कम भारतीय उच्च एवं धनी वर्ग पर किया जाए। इससे वह फायदा होगा कि जब वह शिक्षित हो जाएंगे तब शिक्षा स्वयं निम्न वर्ग तक पहुंचने लगेगी। उसके सिद्धांत के समर्थक थे ईसाई पादरियों का मानना था कि सर्वप्रथम उच्च वर्ग को अंग्रेजियत में रंगा जाए, निम्न वर्गीय भारतीय उदाहरण स्वयं अपने में परिवर्तन कर उदाहरण स्वरूप स्वयं अपने में परिवर्तन कर लेंगे। 23 सितंबर 1823 में फ्रांसिस वार्डन ने इस बात को स्वीकारा कि अधिक व्यक्तियों को कम ज्ञान देने की अपेक्षा अल्प व्यक्तियों को अधिक ज्ञान देना उचित होगा। कंपनी के अधिकारियों का भी यह मानना था कि प्रगति तभी संभव है जब प्रभावशाली एवं धनी वर्ग को शिक्षित किया जाए। मैकाले ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया और वह कंपनी द्वारा ऐसे वर्ग का गठन किया जाए जो भारतीयों के बीच द्विभाषीय का काम करके अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव छोड़े। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया और 24 नवंबर 1839 को इस सिद्धांत को बलपूर्वक लागू कर दिया। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे एट होम।